जय भोले बाबा की। दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं, आज देख क्या रहे हैं, आपको सबको पता है कि आज श्री अमरनाथ यात्रा 2023 का दूसरा दिन है। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ भोले बाबा की कृपा से कि आज दूसरे दिन मैं भोले बाबा जी के दर्शन कर सकूं। तो भाइयों, जैसे आप देख ही रहे हैं, ये जो रश देख रहे हैं भक्तजनों का आना और जाना, वहाँ आना और जाना, एक्चुअल में ये खचरे देखें साहब, ये टोटल खचरे, मतलब श्रद्धालु जितने श्रद्धालु उतने ही खचरे, जो उनका रेशियो है जितने श्रद्धालु उतने ही खच्चर। और ये मैं आंकड़ा आपको सही बता रहा हूँ, क्योंकि जो ऑफिशियली रिकॉर्ड में जो ऑनलाइन खच्चरों की बुकिंग हुई वो उसके रिकॉर्ड के हिसाब से, और जितने श्रद्धालुओं का दर्शनार्थियों का रजिस्ट्रेशन हुआ उसके हिसाब से। तो भाइयों, मैं ये कहूँगा अगर आप भी श्री अमरनाथ यात्रा 2023 करना चाहते हैं तो मैं एक ही बात कहूँगा कि थोड़ा कोशिश करें कि आने वाले 10-15 दिनों के अंदर अंदर यात्रा कर लें, फिर नहीं तो शायद की बात है 10-15 दिन तक भोले बाबा अंतर ध्यान ना हो जाए। और बाकी कोशिश करें आने की। और मैं भी बालटाल में ही हूँ और मेरी ईमेल आईडी इसी यूट्यूब चैनल पर है, सॉरी, और फ़ोन नंबर भी, कॉल कर सकते हैं। जितना मेरे से सहयोग होगा मेरे लेवल पे मैं आपका सहयोग करूँगा, और जो जो सामान की यहाँ जरूरत पड़ सकती है वो आप मुझे कमेंट्स करके, जय भोले बालटाल घोड़ा, कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि फालतू सामान लाने का कोई फ़ायदा ही नहीं, सामान उतना ही लाएं और जो जरूरत पड़े, जैसे बोलते हैं ना, लेस लगेज मोर कंफर्ट। ये देखिए, बस भोले भाई कृपा से अचानक। हाँ, एक बात और बताना चाहूँगा, आज हम 4 बजे सुबह बालटाल से निकले, प्रक्रिया पूरी होती होती 4:30 बज गए, और थोड़ी सी मेरी तबीयत खराब होने की वजह से हम तकरीबन 11:30-12 बजे के आसपास भोले बाबा जी के दर्शन किए, और 12:55 पे हमने वापसी की है। और अभी मेरे को फिट हूँ, वापसी में सफ़र अच्छा कट रहा है, 2 कारण, एक तबीयत ठीक, दूसरा थोड़ा ढलान की वजह से। तो अंत में एक बार फिर कहूँगा, आप अमरनाथ यात्रा की डेली अपडेट day 1 to 31 August तक अगर आप देखना चाहते हैं या क्या मतलब प्रक्रिया चल रही है, कैसे अमरनाथ यात्रा चल रही है, किस दिन ज़्यादा भीड़ है, किस दिन कम भीड़ होगी, वो सब अगर जानना चाहते हैं तो मेरे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक और शेयर भी दें। उससे मुझे फाइनेंशियली कोई लालच नहीं है कि ना ही मेरे पे आउट्स आ रहे हैं, इतना है कि मैं अपना ये यूट्यूब चैनल जो है अपने ही अपने बेटे को स्थानांतर या ट्रांसफर या यूँ कहिए विरासत में देना चाहता हूँ। तो अभी मेरे लिटिल सब्सक्राइबर हैं सिर्फ 377, तो कम से कम मेरा ये टारगेट है कि बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइबर करके दूँ, और मेरा मेरे और नौकरान समझ लीजिए या यहाँ विरासत में उसको यूट्यूब चैनल जो मिलेगा वो इसी तरह आप लोगों की सेवा समझ लें, चाहे देश की सेवा ऐसे कि आई एम सोल्जर, मैं भी अपने बेटे को एक सोल्जर ही बनाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े, कुछ भी मतलब उसको डांटना मारना तो नहीं बोलेंगे यार, बहुत लाडला है, उनको चाहे डांटना पड़े चाहे कुछ भी करना पड़े। हाँ, इतना ज़रूर है कि उसको भी लगन है NDA के लिए, अगर NDA में सेलेक्ट हो जाता तो बहुत बढ़िया, अदरवाइज सिपाही तो है ही है, बोला सिपाही जी और IG ये है दोस्तों।
प्लीज एक बार फिर कहूँगा चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, ज़्यादा से शेयर करें। शेयर करने से क्या है, लाइक्स बढ़ते हैं। और मैं ये कहूँगा आप भी करें और अपने दोस्तों को भी रेफ़र करें। आइए आइए, दोस्तों को भी रेफ़र करें कि हाँ भाई एक फौजी का चैनल है, और इसको लाइक्स दें, शेयर दें और सब्सक्रिप्शन दें। चलो ठीक है, देखिए यहाँ भाई लोग कोई रास्ते में नींबू पानी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह बेच रहे हैं। सेवा ही होती है, ये सब सेवा ही है। 14 किलोमीटर नीचे बालटाल से नींबू उठा के यहाँ पहुँचना, नमक और चीनी और बाल्टी पानी हैं, ये सेवा ही है। और इतनी दूर से ला के यहाँ पर जनता को वही मिनिमम प्रॉफिट में देना पिलाना, एक सेवा होती है। वो कर रहे हैं, ये डायरेक्ट रूप से नहीं कर रहे, तो इनडायरेक्ट रूप से कर रहे हैं, है सेवा, ये सेवा। भंडारे लग रहे हैं जगह जगह, वो तो निःशुल्क है, वो बड़ी सेवा। और देखिए यहाँ आए तो गर्म कपड़े जोड़ लेके आए, पर इतने मात्रा के आए कि कार के डिग्गी कपड़ों से भर जाए, है ना मतलब। हाँ जी, मतलब समझ रहे हैं ना पंजाबी में, है ना मतलब, क्या आपको समझ आ रहा है कि नहीं, वो जानने के लिए, है ना। ठीक है ओके। एक बार फिर जय भोले बाबा की, जय हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।